नूरपुर में पिछले 40 दिनों में जो भी शिलान्यास हुए हैं उनमें मात्र 20% कार्यों का ही बजट है और बाकी 80% कार्य बिना बजट के ही हैं। ये कहना है नूरपुर विधायक राकेश पठानिया का। विश्राम गृह नूरपुर में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद उन्होंने कहा कि इस बैठक के सौजन्य से ये जानना था कि पिछले कुछ समय से जो शिलान्यास की झड़ी लगी थी उसका क्या स्टेटस है। उन्होंने कहा कि 80% कार्यों के मात्र बोर्ड ही लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो विकास कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल में छोड़े थे वो वहीं के वहीं हैं। उनमें कोई गति नहीं आई है और अब उन कार्यों को गति प्रदान की जाएगी। अधिकारियों के साथ ये केवल एक रिव्यू मीटिंग है कि क्या क्या हमारे ऑनगोइंग वर्क्स हैं, क्या क्या पिछले 40 दिन में जो कांग्रेस सरकार ने जाने से पहले जो लगातार एक झड़ी लगाई शिलान्यास होगी, तो मैं विभाग से पूछना चाह रहा हूँ कि वो पैसे हैं भी है कि नहीं, और 80% काम जहाँ बोर्ड लगे वहां पे पैसे नहीं। तो ये एक जो कांग्रेस सरकार ने एक जो एंड में 40 दिन पहले प्राण निकलने से पहले जो ये ड्रामा किया पब्लिक की आंखों में धूल फेंकने वाला, एक तो उनका नकाब उतरेगा, दूसरा पब्लिक को हम बता पाएंगे कि ये जो काम अब होंगे वो हमारे प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से होंगे कि ये कांग्रेस के ने आपको ना तो कोई पैसा दिया, केवल 65 ठगा है। जो जहां काम मैं छोड़ के गया था, जो भाजपा के सरकार में हमने पिछले टेनर में काम छोड़े थे वो काम वही वैसे के वैसे पड़े हुए। तो ये एक जो मुखौटा कांग्रेस ने अंत में विकास का पहनना चाहा उस मुखौटे को भी उतारना है इन बैठकों के माध्यम से, और अब इन विभागों को एक बार फिर काम पे लगा के लोगों की सेवा में लगाना।